योग में हस्त मुद्राएं क्या है? आप सभी ने बहुत लोगों को स्पेसिफिकली मुद्राएं करते हुए देखा होगा, पर आप हमेशा सोचते होंगे कि ये क्या है, किसे करना चाहिए, कितना समय करना चाहिए, कौन कर सकते हैं कौन नहीं कर सकता, या कौन सी मुद्राएं हैं जो आप कर सकते हैं और आप नहीं कर सकते। इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में जानकारी दूंगा, हस्त मुद्राओं के बारे में। प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सावंत योगा को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले मेरे वीडियोस को देखने के लिए। हम पंच तत्वों से बने हैं और हमें पंच तत्वों में ही लीन होना है, पर ये जो पंच तत्व है, ये जो पांचों उंगलियां हैं और आपकी हथेली है, आप ये सारे पांचों तत्वों को अपने हाथों से बैलेंस कर सकते हैं, उन्हें उत्प्रेरित कर सकते हैं, उन्हें रिड्यूस कर सकते हैं, उन्हें बैलेंस कर सकते हैं। तो ये कौन से पंच तत्व हैं और उन्हें आप किस तरह से बैलेंस करेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी फिंगर्स हर एक तत्व को किस तरह से डिनोट करती है। तो सबसे पहले ये है आपकी अग्नि, आपका फर्स्ट फिंगर, जी हाँ, आपकी इंडेक्स फिंगर। ये है आपकी एयर एलिमेंट, यानी आपका वात या आपकी वायु, आकाश की फिंगर, या आप जिसे बोलते हैं स्पेस या ईथर। ये वाली फिंगर जो आपकी रिंग फिंगर है, ये डिनोट करती है आपकी अर्थ एलिमेंट यानी आपकी पृथ्वी। ये जो फिंगर है, ये फिंगर डिनोट करती है आपका जल यानी वाटर। अब हम देखते हैं कि जब आप अपने स्पेसिफिक फिंगर्स को अच्छे ढंग से पकड़ते हैं और या मुद्रा लगाते हैं तो उससे क्या होता है। सबसे पहली मुद्रा जिसे हम कहते हैं ज्ञान मुद्रा, उसे क्या कैसे करेंगे, आप अपने हाथों को पहले इस तरह से ऊपर लीजिए और फिर आपकी जो फर्स्ट फिंगर है, जी हाँ, पहली फिंगर और आपका थंब, इस तरह से आप दोनों को अच्छे ढंग से जोड़ लीजिए और एक गोलाकार, पूरी तरह से गोलाकार बनाइए। और ये आप दोनों हाथों पे करते हैं, आपके राइट और आपके लेफ्ट के ऊपर दोनों को गोल बनाइए और आपकी जो बाकी की तीन फिंगर्स हैं उनको बिल्कुल सीधे छोड़ दीजिए। इस तरह से आप अपने इस स्पेसिफिक हस्त मुद्रा को आपके इनर थाइस के ऊपर इस तरह से ऊपर की ओर फेस करके रखिए, क्योंकि हमें चाहिए कि आपकी उड़ान वायु इससे अच्छे ढंग से बढ़े। आप कम से कम 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट केवल अपने श्वास पर ध्यान रखें, अपने हथेलियों की ऊर्जा पर ध्यान रखें, आपको चाहिए तो आप, और इसे कम से कम 5 से 10 या 15 मिनट कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी जो मेमोरी पावर होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। अगर आप सो नहीं पाते हैं, इससे आपको नींद अच्छी आने लग जाती है, स्वभाव है उसमें परिवर्तन होता है, नॉलेज जिसे हम कहते हैं, ज्ञान जिसे हम कहते हैं, आपका अपने बारे में ज्ञान बढ़ता है। आकाश मुद्रा, आकाश मुद्रा के अंदर कैसे करते हैं, आपकी जो आकाशिक तत्व है यानी आपकी मध्यमा, उसको आप अपने थंब के पास इस तरह से जोड़ते हैं, जी हाँ, इस तरह से बिल्कुल गोलाकार दोनों फिंगर्स पे लगाते हैं आप, और आपकी बाकी की फिंगर्स इस तरह से रखते हैं। इस स्पेसिफिक मुद्रा के अंदर, जी हाँ, इस स्पेसिफिक मुद्रा के अंदर अगेन आप 5, 10, 15 मिनट जितना भी आप बैठ सकते हैं बैठिए। इससे आपके कान की जो तकलीफ होती है, कान का बहरापन, कान के अंदर वर्टिगो की इश्यूज होते हैं, चक्कर आना, कान के अंदर आवाज आना, सीटी बजना, या कान के इन्फेक्शन संक्रमण, या आपके जो बलगम रहता है वो कई बार आपके कान के अंदर कहीं ना कहीं बहुत इश्यूज क्रिएट करता है, उसके लिए भी बहुत अच्छा रहता है। हड्डियों में कमजोरी होती है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छे ढंग से काम करता है। सिर्फ ध्यान इतना ही रखना है कि आपकी ये स्पेसिफिक मुद्रा आप हमेशा बैठे हुए ही लगाएंगे और इस तरह से ऊपर की ओर रख के लगाएं। शून्य मुद्रा, शून्य मुद्रा कैसे करते हैं, देखिए आपके अगेन आपकी आकाशिक तत्व को आप अपने बिल्कुल बेस ऑफ द थंब तक लेके जाते हैं इस तरह से, और आपके इस तरह से थंब से उसे पकड़ लीजिए और बाकी की तीनों फिंगर्स एकदम टाइटली इस तरह से रखिए। आप इसे दोनों हाथों में लगाएंगे इस तरह से यूं, और इसे ऊपर की ओर रख के रख लीजिए। अब जो शून्य मुद्रा होती है वो भी बहुत पावरफुल मुद्रा होती है। इससे आपके जो गले के विकार होते हैं, स्पेसिफिकली आपका थायराइड, गोइटर, या गले के अंदर बलगम होना, आवाज खराब होना,
मसूड़ों की कोई तकलीफ है, जी हाँ मसूड़े यानी आपके कैविटी, आपकी डेंटल कोई इश्यूज हैं, उसमें भी ये बहुत अच्छे ढंग से आप हस्त मुद्राएं किसी भी पोस्चर में कर सकते हैं। आप इस तरह से बैठ सकते हैं, आप अर्धसिद्धासनों में, या आप आसानी से अपने चेयर के ऊपर बैठ सकते हैं, या आप पद्मासन लगा सकते हैं, या आप एकदम सुखासन में भी बैठ सकते हैं। जो भी आसन आपके लिए कंफर्टेबल हो उसमें आप बैठ सकते हैं। सिर्फ आपको ध्यान इतना रखना है कि जब आप ये करें तो आप अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और अपने पूरे जो शोल्डर्स हैं उनको बिल्कुल शांत रखें, उन्हें ज़्यादा टाइट नहीं रखना है आपने, और आपकी छाती अच्छे ढंग से खुली रहनी चाहिए, आपके शोल्डर्स थोड़े से पीछे की ओर होने चाहिए, और थोड़ा सा ध्यान अपने आप में रखिएगा। और इस तरह से आप अपनी तैयारी करते हैं हस्त मुद्रा करने के लिए, ट्राई करते हैं और ज्यादा लाभदायक होते हैं। उसी के साथ सुबह में और शाम में दो ये स्पेसिफिक टाइम जो होते हैं हस्त मुद्रा के लिए, वो बहुत बहुत विशेष होते हैं, क्योंकि उस समय जो एनर्जीज होती हैं वो अपसर्ज ले रही होती है और आपको इसका बेनिफिट मिलता है। प्री सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सावंत योगा को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले मेरे वीडियोस को देखने के लिए।